तो दोस्तों बैक टू बैक 2024-25 में एक से बढ़कर एक मूवी हमें देखने को मिलने वाले हैं इसी बीच हमें एक ज़बरदस्त मूवी एक क्षेत्र से देखने को मिल सकती है जिसका टाइटल है आई एम एल लिग एंड टू जी हाँ दोस्तों ये एक जॉम्बी मूवी है और आप सभी ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा बहुत ही ज़बरदस्त था और ये जो मूवी है एक तरह से हमें एक तरह से बहुत पहले दो हज़ार के दशक के अंदर हमें देखने को मिली थी और इसी के साथ इसका दूसरा पार्ट 2025 तक शायद देखने को मिल सकता है तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं तो पहले तो आप दोस्तों हमारे तो इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन अंदबा कर इसे पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो में एक तरह से स्टार्ट कर हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ आई एम लीजेंड 2007 की अमेरिकी पोस्ट एपोकैलिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है चार पाँच जिसका निर्देशन फ्रांसिस लॉरेंस ने किया है और इसकी पटकथा अकेवा गोल्ड्समैन और मार्क प्रोटोसेविच ने लिखी है और इसमें विल स्मिथ ने अमेरिकी सेना के वायरोलॉजिस्ट रॉबर्ट नेविल की रिचर्ड मैथेसन के इसी नाम के उन्नीस के उपन्यास पर आधारित ये फिल्म न्यूयॉर्क शहर में एक वायरस के बाद सेट की गई है जो मूल रूप से कैंसर का इलाज करने के लिए बनाया गया था जिसने अधिकांश मानव जाति को मिटा दिया है नेवल को न्यूयॉर्क में आखिरी इंसान के रूप में छोड़ दिया गया है रात्रि उत्परिवर्ती के अलावा नेवल वायरस से प्रतिरक्षित है और वह शत्रुतापूर्ण म्यूटेंट के खिलाफ खुद का बचाव करते हुए एक इलाज विकसित करने के लिए काम करता है यह 1964 की द लास्ट मैन ऑन अर्थ और 1971 की द ओमेगा मैन के बाद मैथेसन के उपन्यास का तीसरा फीचर फिल्म रूपांतरण है वॉर्नर ब्रदर्स ने उन्नीस में आई में आईएम लीजेंड का विकास शुरू किया और विभिन्न अभिनेता और निर्देशक इस परियोजना से जुड़े थे हालांकि स्क्रिप्ट से संबंधित बजट संबंधी चिंताओं के कारण उत्पादन में देरी हुई उत्पादन 2006 में न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ मुख्य रूप से शहर के स्थानों पर फ़िल्मांकन किया गया जिसमें ब्रुकलिन ब्रिज का पांच मिलियन डॉलर का दृश्य छह सात भी शामिल था एम लीजेंड को 14 दिसंबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज़ किया गया था ये दिसंबर में अमेरिका में रिलीज़ हुई गैर क्रिसमस फ़िल्म के लिए बॉक्स ऑफ़िस पर अब तक की सबसे बड़ी कमाई मुद्रास्फ़ीति के लिए समायोजित नहीं के साथ खुली और 2007 की सातवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म थी जिसने घरेलू स्तर पर दो मिलियन डॉलर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल तीन मिलियन डॉलर की कमाई की पाँच सौ डॉलर मिलियन का फ़िल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें स्मिथ के प्रदर्शन को प्रशंसा के लिए चुना गया जबकि आलोचना उपन्यास विशेष रूप से अंत से इसके विचलन पर केंद्रित थी 2022 में एक सीक्वल के विकास में होने की बात सामने आई थी जिसमें स्मिथ नेवल के रूप में अपनी भूमिका को फिर से दोहराने और माइकल बी जॉर्डन के साथ फिल्म का सह निर्माण करने के लिए तैयार थे जिनकी एक अभिनत भूमिका भी होगी कथानक कैंसर को ठीक करने के लिए खसरे के वायरस को आनुवंशिक रूप से पुन इंजीनियर करने का प्रयास घातक हो जाता है जो दुनिया की निन्यानवे प्रतिशत आबादी को संक्रमित करता है और जिन लोगों को यह नहीं मारता उन्हें डाक्सिकस नामक पिशाच अल्बिनो नरभक्षी म्यूटेंट में बदल देता है जो सूरज की रोशनी के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं और इसका शिकार करते हैं कुछ जो अप्रभावित रह गए हैं प्रकोप के तीन साल बाद 2012 में आठ अमेरिकी सेना के वायरोलॉजिस्ट एलटीसी रॉबर्ट नेविल निर्जन मैनहट्टन में एक अलग जीवन जी रहे हैं इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि कोई अन्य असंक्रमित इंसान बचा है या नहीं नैवल की दैनिक दिनचर्या में वायरस का इलाज खोजने के लिए संक्रमित चूहों पर प्रयोग करना भोजन और आपूर्ति की खोज करना और हर दिन जीवित बचे लोगों की प्रतीक्षा करना शामिल है जो उसके लगातार रिकॉर्ड किए गए रेडियो प्रसारण का जवाब दे सकते हैं जो उन्हें दक्षिण में दोपहर में उससे मिलने का निर्देश देता है स ट्रीट बंदरगाह फ्लैशबैक से पता चलता है कि उनकी पत्नी जो और बेटी माले की मैनहट्टन की अराजक निकासी के दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई जब सेना द्वीप पर एकांतवास लागू कर रही थी नेविल स्वयं अन्य सैन्यकर्मियों के साथ पीछे रहे नेविल का एकमात्र साथी उसका जर्मन शैपर्ड था सैम है और अपने अकेलेपन से निपटने के लिए वह नियमित रूप से कुछ पुतलों और वीडियो स्टोर से फिल्म रिकॉर्डिंग के पात्रों से बातचीत करता है रात में वह डार्क सीकर से छिपने के लिए अपने भारी किलेबंद वाशिंगटन स्क्वायर पार्क घर का अंदर सैम के साथ खुद को बंद कर लेता है एक दिन जब नेवल एक हिरण का शिकार करता है सैम उसका पीछा करते हुए एक अंधेरी इमारत में चला जाता है नेवल सावधानी से उसके पीछे जाता है और सैम के साथ हिरण की लाश का पता लगाता है लेकिन पता चलता है कि इमारत डाक्सिकस से संक्रमित है दोनों सुरक्षित बच निकलते हैं और हमलावर डाक्सिकस सूरज की रोशनी से मारे जाते हैं नेवल को अपने खून से प्राप्त एक आशाजनक उपचार मिलता है इसलिए वह एक जाल बिछाता है और एक मादा डाकसिकर को पकड़ लेता है एक नर डाकसी कर उनका पीछा करने का प्रयास करता है लेकिन सूरज की रोशन के कारण रुक जाता है और छाया में लौट आता है अपने घर के तहखाने में अपनी प्रयोगशाला में नेविल बिना किसी सफलता के मादा का इलाज करता है अगले दिन नेविल ने ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के बाहर स्थित एक पुतले फ्रेड को देखा जो आमतौर पर स्थानीय वीडियो स्टोर पर होता है और भ्रम में उसे गोली मार देता है हालांकि नेवल को एहसास होता है कि पास की इमारतों के भीतर से डाक्सिकस उस पर नज़र रख रहे हैं जैसे ही वो फ्रेड के शरीर के पास पहुंचता है वह उसी जाल में फंस जाता है जिसका इस्तेमाल उसने मादा को पकड़ने के लिए किया था डाक्सिकस द्वारा स्थापित और उसके सिर पर वार करने के बाद वो बेहोश हो जाता है जब वो उठता है तब तक सूरज डूब रहा होता है और उस पर संक्रमित कुत्तों ने हमला कर दिया होता है नेविल और सैम ने उन्हें ख़त्म कर दिया लेकिन लड़ाई के दौरान सैम को काट लिया गया नेविल उसे अपने सीरम का एक इंजेक्शन लगाता है लेकिन जब उसमें संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं तो जैसे ही वह मुड़ने लगती है नेविल को उसका गला घोंटकर मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है दिल टूटा हुआ और गुस्से से प्रेरित होकर नेविल बाहर निकलता है और जानबूझकर अगली रात डाक्सिकस के एक समूह पर हमला करता है इससे पहले कि उसे प्रतिरक्षा मनुष्यों की एक जोड़ी अन्ना और एथन नाम का एक युवा लड़के द्वारा बचाया जाता है जो उसके प्रसारण को सुनने के बाद मैरिलैंड से आए थे वे घायल नेविल को उसके घर वापस ले जाते हैं जहां अन्ना बताते हैं कि वे साओ पाउलो से रेड क्रॉस निकासी जहाज़ पर सवार होकर प्रकोप से बच गए और बैथेल वर्मोट में बचे लोगों के शिविर में जा रहे हैं नेवल का तर्क है कि ऐसा कोई जीवित बचे लोगों का शिविर मौजूद नहीं है चूंकि वह मादा डाकसिकर को ठीक करने के लिए काम करना जारी रखता है नेवल का मानना है कि बर्फ से उसके शरीर के तापमान को कम करके वो उपचार की शक्ति को बढ़ा सकता है अगली रात डाकसिकस का एक समूह जिसने एक रात पहले अन्ना और नैवल को ट्रैक का। या था ने घर पर आक्रमण किया नेविल अन्ना और एथन महिला परीक्षण विषय के साथ खुद को सील करते हुए बेसमेंट प्रयोगशाला में चले जाते हैं नाटकीय अंत जैसे ही डाकसिकस ने लैब पर हमला किया ये पता चला कि अंतिम उपचार सफल रहा नेविल ने स्थिति का आकलन किया क्योंकि डाकसिकर अल्फा पुरुष अंदर घुसने के लिए खुद को कांच के दरवाजे से टकराता है नेविल ने जिस महिला को ठीक किया था उससे खून की एक शीशी लेता है और अन्ना को देता है एथन और उसे प्रयोगशाला के पिछले हिस्से में एक कोयले की ढलान के अंदर बंद करने से पहले इसके बाद नेविल खुद को और हमलावर डाक्सिकस दोनों को ग्रेनेड से मार देता है जिससे इलाज बच जाता है अगले दिन अन्ना और एथन बैथिल में बचे हुए लोगों के शिविर में पहुंचते हैं जहाँ अन्ना द्वारा उन्हें इलाज सौंपने से पहले सैन्य अधिकारियों और अन्य बचे लोगों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है एना बताती हैं कि कैसे मानवता को बचाने के लिए नेविल के प्रयास और बलिदान अंततः कीवदंती बन गए वैकल्पिक अंत जैसे ही डाकसिकस प्रयोगशाला पर हमला करते हैं अल्फा नर डाकसीकर प्रयोगशाला के कांच को तोड़ने का प्रयास करते हुए एक तितली का आकार बनाता है नेविल को एहसास हुआ कि यह मादा डाकसिकर की गर्दन पर तितली के आकार के टैटू का संदर्भ दे रहा है और अल्फा नर और उसके अनुयायी बस अपने साथी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं नेविल अपनी बंदूक नीचे रखता है और मादा को लौटा देता है नेविल और अल्फा नर एक दूसरे को घूरकर देखते हैं और नेविल अपने साथी की वापसी पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हुए देखकर माफी मांगता है अल्फ़ा नर शेष झुंड के साथ चला जाता है एक बार जब वे चले गए तो हैरान नेवल अपने परीक्षण विषयों की कई तस्वीरों को देखता है और महसूस करता है कि वह संक्रमित लोगों की नज़र में एक राक्षस बन गया है और वर्षों से किए गए प्रयोगों के लिए पश्चाताप दिखा रहा है अगली सुबह नेविल ने अपना शोध छोड़ दिया और बचे हुए लोगों की कॉलोनी खोजने की उम्मीद में एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में अन्ना और एथन के साथ वर्मोट की ओर चला गया वे जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज को पार करते हैं जबकि अन्ना एक आशावादी एकालोप प्रस्तुत करते हैं जिसका अंत इस कथन के साथ होता है आप अकेले नहीं हैं जबकि शुरुआत में 2008 में आई एम लीजेंड के दो डिस्क विशेष संस्करण डीवीडी पर एक पुस्तक सटीक वैकल्पिक अंत के रूप में जारी किया गया था प्रारंभिक परीक्षण स्क्रीनिंग दर्शकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण वैकल्पिक अंत को नाटकीय कट से हटा दिया गया था नौ एक शून्य एक एक दो एक तीन चौदह फरवरी 2023 में ये पुष्टि की गई कि आईएम लीजेंड की अगली कड़ी में वैकल्पिक अंत को विहित माना जाएगा जिसमें विल स्मिथ अपने को दोहराएंगे डॉक्टर रॉबर्ट नेवल की भूमिका जब वो डाकसिकर्स पर अपने प्रयोग फिर से शुरू करते हैं पंद्रह कास्ट करें डॉक्टर रॉबर्ट नेवल के रूप में विल स्मिथ एक वायरोलॉजिस्ट और न्यूयॉर्क शहर में एकमात्र शेष मानव निवासी वायरस का इलाज खोज रहे हैं एलिस ब्रागा अन्ना के रूप में महामारी से बची एक धार्मिक महिला एथन के रूप में चाली चालीताहान प्रकोप से बचे एक युवा एबी और और कोनासामधा सैम के रूप में रॉबर्ट के जर्मन शैपर्ड और साथी सैम अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले माले की ओर से एक उपहार था डाक्सिकस के नेता अल्फा मेल के रूप में डैश में होक एम्मा थॉम्पसन क्रिप्पिन वायरस के निर्माता डॉक्टर एलिस क्रिपिन के रूप में जो नेवल के रूप में सल्ली रिचर्डसन रॉबर्ट नेवेल की पत्नी जिनकी प्रकोप के तुरंत बाद मृत्यु हो गई माले नेवल के रूप में विलो स्मिथ रॉबर्ट और जो की छह साल की बेटी जिसकी प्रकोप के तुरंत बाद मृत्यु हो गई अल्फ़ा फीमेल के रूप में जुआना नुमाटा अल्फ़ा मेल की साथी है जिसे रॉबर्ट नेविल ने पकड़ लिया है और उस पर प्रयोग किया है डिरिल फोस्टर माइक के रूप में एक सैनिक जो प्रकोप के शुरुआती चरणों के दौरान नेवल के साथ था संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की आवाज़ के रूप में पैट फ्रैली माइक पैटर्न डाकसिकर्स की आवाज़ के रूप में क्रिप्पिन वायरस से संक्रमित हिंसक अल्बिनो जीव जो सूरज की रोशनी के प्रति संवेदनशील हैं उत्पादन विकास इकतीस अक्टूबर दो हज़ार छह को वाशिंगटन स्क्वायर फिल्म की शाम की शूटिंग से पहले क्षेत्र को साफ किया जा रहा है पृष्ठभूमि में वो घर है जहां विल स्मिथ का चरित्र रहता है 1990 के दशक के अंत में साइंस फ़िक्शन हॉरर शैली फिर से उभरी सोलह उन्नीस में वॉर्ना ब्रदर्स ने फ़िल्म प्रोजेक्ट विकसित करना शुरू किया जिसके पास 1970 से रिचर्ड मैथिसन के उन्नीस के उपन्यास एम लीजेंड के अधिकार थे 17 और पहले से ही 1971 का रूपांतरण द मैन बना चुके थे स्टूडियो द्वारा दिस सेल की विशिष्ट स्क्रिप्ट से प्रभावित होने के बाद मार्क प्रोटोसेविच को स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया था प्रोटोसेविच का पहला ड्राफ्ट 2000 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और इसमें तैयार फिल्म के साथ कई समा नताएं थीं हालांकि डार्क जिन्हें हेमोसाइट्स कहा जाता था द मैन के प्राणियों के मामले में सभ्य थे और अन्ना एक अकेले मॉफिन के आदि थे क्योंकि साथ ही यह तथ्य कि क्रिस्टोफर नाम का एक हेमोसाइट चरित्र नेविल के साथ जुड़ गया वॉनर ब्रदर्स ने नील एच मोरिट्स को निर्माता के रूप में नियुक्त करते हुए तुरंत फिल्म को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया सोलह अभिनेता टॉम क्रूज माइकल डगलस 18 और मेल गिब्सन 16 को फिल्म में अभिनय करने के लिए विचार किया गया था 18 प्रोटोसेविच की एक स्क्रिप्ट का उपयोग करते हुए और निर्देशक के रूप में रिडले स्कॉट के साथ हालांकि जून उन्नीस तक स्टूडियो की प्राथमिकता अभिनेता अर्नोल्ड श्वाजनेगर को थी जुलाई में स्कॉट और श्वाजनेगर ने बातचीत को अंतिम रूप दिया 1920 और आगामी सितंबर में उत्पादन शुरू होने वाला था 18 लॉस एंजल्स की फिल्म की सेटिंग के लिए ह्यूस्टन को स्टैंड इन के रूप में इस्तेमाल किया गया इक्कीस स्कॉट ने प्रोटोसेविच की जगह अपनी पसंद के पटकथा लेखक जॉन लोगन को ले लिया जिसके साथ उन्होंने कई अलग अलग, अलग ड्राफ्ट पर महीनों तक गहन काम किया एम लीजेंड का स्कॉट लोगन संस्करण विज्ञान फाई और मनोवैज्ञानिक थरिलर का मिश्रण था जिसमें पहले घंटे में कोई संवाद नहीं था और एक उदास अंत था सोलह के संस्करण के जीव अपने पशुवत बर्बर स्वभाव में तैयार फिल्म के डाकसिकस के समान थे स्टूडियो अपनी व्यावसायिक अपील और व्यापारिक क्षमता की कमी के डर से स्कॉट को दी गई स्वतंत्रता के बारे में चिंतित होने लगा फिर बॉक्स ऑफिस निराशाओं की नकारात्मक लकीर पर और प्रोडक्शन टीम से पटकथा में एक्शन की कमी पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया लेखक नील जिमिनेस के गूढ़ मसौदे के बाद वॉन ब्रदर्स ने अनिच्छा से स्कॉट के साथ फिर से काम करते हुए प्रोटोसेविच को परियोजना के लिए फिर से नियुक्त किया सोलह दिसंबर उन्नीस में जब एक बड़े बजट की फ़िल्म के वित्तपोषण में स्टूडियो की मीडिया और शेयरधारक जांच के कारण अनुमानित बजट बढ़कर 108 मिलियन डॉलर हो गया तो परियोजना पर सवाल उठाया गया स्कॉट ने फ़िल्म के बजट को 20 मिलियन डॉलर तक कम करने के लिए स्क्रिप्ट को फिर से लिखा लेकिन मार्च उन्नीस में स्टूडियो ने बजट संबंधी चिंताओं और संभवतः स्कॉट की पिछली तीन फ़िल्मों चौदह सौ बानवे कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज व्हाइट की बॉक्स ऑफिस विफलता के कारण परियोजना को रद्द कर दिया स्क्वॉल और जीआई जेन दो तीन दो चार एक छ्वार्वारग राखी हालिया फ़िल्में इरेजर और वॉनर ब्रदर्स की अपनी बैटमैन और रॉबिन ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और बड़े बजट की विज्ञान फाइव फ़िल्मों स्फियर और द पोस्टमैन के साथ स्टूडियो के नवीनतम अनुभव भी नकारात्मक थे 16 अगस्त उन्नीस में निर्देशक रॉब बोमन इस परियोजना से जुड़े थे 25 प्रोटोसेविच को तीसरा नया ड्राफ्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया था जो उनके पिछले संस्करणों की तुलना में कहीं अधिक एक्शन उन्मुख था लेकिन निर्देशक जो कथित तौर पर निकोलस केज की भूमिका चाहते थे लीड रीगन ऑफ फायर को निर्देशित करने के लिए आगे बढ़े और परियोजना ज़मीन पर नहीं उतरी सोलह छब्बीस मार्च 2002 में श्वाजनेगर एम लीजेंड के निर्माता बन गए और फ़िल्म के निर्देशन के लिए माइकल बे और अभिनय के लिए विल स्मिथ के साथ बातचीत शुरू की 27 बे और स्मिथ एक पुनर्मसौदे पर आधारित परियोजना की ओर आकर्षित हुए जिससे इसका बजट कम हो जाएगा 28 वॉर्नर ब्रदर्स के अध्यक्ष एलन एफ हॉर्न की स्क्रिप्ट को नापसंद करने के कारण परियोजना को स्थगित कर दिया गया था उनतीस दो में अकेवा गोल्ड्समैन को प्रोडक्शन प्रमुख जेफ रॉबिनोव ने फिल्म का निर्माण करने के लिए कहा था 30 सितंबर 2005 में निर्देशक फ्रांसिस लॉरेंस ने इस परियोजना का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए जिसका निर्माण 2006 में शुरू होने वाला था मूल रूप से स्मिथ ने गिलमो टोरो से निर्देशन के लिए संपर्क किया था लेकिन उन्होंने हेलबॉय दो द गोल्डन आर्मी का निर्देशन करने से इनकार कर दिया इकतीस लॉरेंस जिनकी फिल्म का नस्टेंटाइन का निर्माण गोल्ड्समैन ने किया था खाली शहरी वातावरण से आकर्षित थे उन्होंने कहा किसी बात ने मुझे हमेशा उत्साहित किया है इतने बड़े नुकसान का अनुभव करना इतने लंबे समय तक लोगों या किसी भी तरह के सामाजिक संपर्क के बिना रहना तीस गोल्ड्समैन ने इस परियोजना को अपने हाथ में ले लिया क्योंकि उन्होंने दूसरी आई एम लीजेंड फिल्म रूपांतरण द ओमेगा मैन की प्रशंसा की बत्तीस परियोजना को उपन्यास से प्रेरित अन्य जोंबी फिल्मों से दूर करने के लिए एक पुनर्लेखन किया गया था सत्ताईस साथ ही हाल ही में रिलीज हुई अट्ठाईस डेज लेटर से हालांकि गोल्ड्समैन ब्रिटिश हॉरर में एक निर्जन लंदन के दृश्यों से प्रेरित था एक निर्जन न्यूयॉर्क शहर के दृश्य बनाने के लिए फिल्म बत्तीस मई 2006 तक फिल्म की 40 पेज की दृश्य दर दृश्य रूपरेखा विकसित की गई थी जब स्मिथ की फिल्म हैंकॉक जो 2007 के लिए निर्धारित थी में देरी हुई तो अभिनेता की फिल्मों को बदलने का प्रस्ताव रखा गया इसका मतलब था कि फ़िल्मांकन 16 सप्ताह में शुरू करना होगा गोल्ड्समैन की स्क्रिप्ट और रूपरेखा का उपयोग करके उत्पादन को हरी झंडी दे दी गई तीस प्रोटोसेविच की लिपि के तत्वों को पेश किया गया जबकि चालक दल ने संक्रामक रोगों और एकांत कारावास पर विशेषज्ञों से परामर्श किया बत्तीस स्मिथ के कामचलाव कौशल और लॉरेंस की विभिन्न दृश्यों को चुप रखने की प्राथमिकता के कारण फ़िल्मांकन के दौरान पुनर्लेखन जा री रहा तीस निर्देशक ने अपने नवजात बेटे को परेशान न करने के लिए जेन कैंपियन की फिल्म द पियानो को धीमी आवाज़ में देखा था और उन्हें एहसास हुआ कि मौन बहुत प्रभावी सिनेमा हो सकता है तैंतीस कास्टिंग विल स्मिथ ने अप्रैल 2006 में रॉबर्ट नेवल की भूमिका निभाने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए चौंतीस उन्होंने कहा कि उन्होंने एम लीजेंड में काम किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह ग्लेडिएटर या फॉरेस्ट गंप जैसा हो सकता है ये अद्भुत दर्शकों को प्रसन्न करने वाले तत्वों वाली फ़िल्में हैं लेकिन कलात्मक मूल्य से भी समझौता नहीं किया गया ये हमेशा ऐसा महसूस होता था कि इसमें मेरे लिए वे संभावनाएं थीं बत्तीस अभिनेता ने अली दो मैं मोहम्मद अली की भूमिका निभाने के बाद से नेविल को अपनी सबसे कठिन अभिनय च माना। उन्होंने कहा कि जब आप अकेले होते हैं तो संघर्ष ढूंढना थोड़ा कठिन होता है फिल्म का गहरा स्वर और इस बात की खोज कि क्या नेविल अपने अलगाव के दौरान पागल हो गया है का मतलब है कि स्मिथ को शूटिंग के दौरान खुद को हास्यप्रद दिनचर्या में पड़ने से रोकना पड़ा पैंतीस अपनी भूमिका की तैयारी के लिए स्मिथ ने जॉर्जिया में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों का दौरा किया उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से भी हुई जो एकांत कारावास में था और पूर्व युद्धबंदी था छत्तीस स्मिथ ने नेवल की तुलना जॉब से की जिसन अपने बच्चे आजीविका और स्वास्थ्य खो दिया जॉब की किताब की तरह आई एम लीजेंड इन सवालों का अध्ययन करता है क्या उसे जारी रखने का कोई कारण मिल सकता है क्या वह जीवन में उत्कृष्टता और आगे बढ़ने की आशा या इच्छा पा सकता है या क्या उसके आसपास की हर चीज़ की मृत्यु उसके लिए आसन मृत्यु पैदा करती है सत्ताईस उन्होंने कास्ट अवे दो में टॉम हैंक्स के प्रदर्शन के प्रभाव का भी हवाला दिया बत्तीस दोस्तों इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख पाओगे दो हजार के अंदर हमें देखने को मिली थी मूवी इसका जो एक तरह से बजट था तकरीबन डेढ़ सौ मिलियन था उस जमाने में और कलेक्शन इसने किया था लगभग दो सौ पंचानवे मिलियन दो रहा जो कि बहुत ही गजब का कलेक्शन था और मेकरस ने इसे कई बार बनाने की कोशिश करी लेकिन किसी न किसी कारण से एक तरह से उसे रोक दिया जाता था लेकिन अब फाइनली कन्फर्म हमें देखने को मिलने वाली है बाकी दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ दे दी है और बाकी आप कमेंट करके पूछ सकते हो और इसी के साथ इसके कास्टिंग के बारे में आगे जानकारी मैं आपको फिल्मांकन तेईस सितंबर दो हजार छह को शुरू हुआ बयालीस विलियम्सबर्ग में मार्सी एवेन्यू आर्मरी का उपयोग नेवेल के घर के इंटीरियर के लिए किया गया था पैंतीस जबकि ग्रीनविच विलेज का उपयोग बाहरी हिस्से के लिए किया गया था सत्ताईस अन्य स्थानों में निचले मैनहट्टन का ट्रिबिका खंड विमानवाहक पोत इंट्रापिड ब्रोंक्स में किंग्सब्रिज आर्मरी और सेंट पैट्रिक कैथेड्रल शामिल हैं सत्रह फूस को फ्लोरिडा से आयात किया गया था और जगह जगह फैलाया गया था ताकि शहर को ऐसा लगे कि यह उनसे बहुत अधिक हो गया है तीस प्रमुख सड़कों को बंद कर ना वासियों के बीच विवादास्पद था विल स्मिथ ने कहा मुझे नहीं लगता कि कोई भी जल्द ही न्यूयॉर्क में ऐसा दोबारा कर पाएगा लोग खुश नहीं थे यह मेरे करियर में अब तक की सबसे मध्यमा उंगलियां हैं सत्ताईस ब्रुकलिन ब्रिज पर जनवरी में लगातार छह रातों तक एक ब्रिज दृश्य को फ़्लैशबैक दृश्य के रूप में फिल्माया गया था जिसमें न्यूयॉर्क के नागरिक शहर खाली कर देते थे इस दृश्य की शूटिंग में फ़िल्म के कथित 150 डॉलर मिलियन बजट में से 5 डॉलर मिलियन खर्च हुए जो संभवतः शहर में अब तक की सबसे महंगी शूटिंग थी इस दृश्य को जिसे चौदह सरकारी एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करना था 250 चालक दल के सदस्य और 160 नेशनल गार्ड सदस्यों सहित 1,000 अतिरिक्त लोग शामिल थे छ सात चार तीन इसके अलावा कई हमवीज तीन स्ट्राइकर एक एक सौ दस फुट तीन चार मीटर कटर एक इकतालीस फुट बारह मीटर उपयोगिता नाव और दो पच्चीस फुट सात दशमलव छह मीटर प्रतिक्रिया नाव भी मौजूद थे छोटे जहाज़ साथ ही टैक्सी पुलिस कार अग्निशमन ट्रक और एम्बुलेंस सहित अन्य वाहन छह फिल्मांकन 31 मार्च 2007 को समाप्त हुआ 42 ब्रुकलिन ब्रिज और मैनहट्टन ब्रिज के मुख्य विस्तार को चित्रित करने के लिए कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी सीजीआई का उपयोग किया गया था क्योंकि पास से गुज़र रहे सैन्य जेट विमानों की मिसाइलों ने उन्हें मैनहट्टन द्वीप को अलग कर दिया था फिल्म का अंत जर्सी के लैम्बविले में शूट किया गया था चौवालीस नवंबर 2007 के आसपास दोबारा शूटिंग की गई लॉरेंस ने कहा लगभग एक महीने पहले तक हम पूरी तरह से प्रस्तुत किए गए शॉट्स नहीं देख पा रहे थे फिल्म पूरी तरह से अलग जीवन पर आधारित होने लगती है ऐसा बाद में नहीं होता कि आप किसी फ़िल्म को समग्र रूप से आंक सकें और जाओ हूँ शायद हमें इस छोटे से टुकड़े को बीच में से शूट करना चाहिए या इसमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए ऐसा हुआ कि हमारी दोबारा शूटिंग फ़िल्म के अंत के इर्द गिर्द घूमती रही 45 प्रभाव फिल्मांकन के एक सप्ताह बाद लॉरेंस को लगा कि संक्रमित स्क्रिप्ट में डॉक्सिकस या हेमोसाइट्स के रूप में संदर्भित जिन्हें प्रोस्थेटिक्स पहनने वाले अभिनेताओं द्वारा चित्रित किया जा रहा था वे आश्वस्त नहीं थे सीजीआई का उपयोग करने के उनके निर्णय के परिणामस्वरूप बजट में वृद्धि हुई और पोस्ट प्रोडक्शन का समय बढ़ा हालांकि अंतिम परिणाम हमेशा अच्छे नहीं मिले छियालीस सैंतालीस संक्रमित लोगों के पीछे अवधारणा ये थी कि उनकी अधिवृक्क ग्रंथियां हर समय खुली रहती थीं और लॉरेंस ने समझाया उन्हें अपने प्रदर्शन में एक परित्याग की आवश्यकता थी कि आप आधी रात में लोगों से बाहर नहीं निकल सकते जब वे नंगे पैर हों और उनका चयापचय वास्तव में बड़ा हुआ है इसलिए वे लगातार हाइपरवेंटिलेटिंग कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं वास्तव में अभिनेताओं को लंबे समय तक काम करने को नहीं मिलता अन्यथा वे खत्म हो जाते हैं फ्रांसिस लॉरेंस तीस मोशन कैप्चर प्रदान करने के लिए अभिनेता सेट पर मौजूद रहे पैंतीस अड़तालीस फिल्म के निर्माता और आवाज देने वाले लोग चाहते थे कि फिल्म में जीव जंतु कुछ हद तक मानवीय लगें लेकिन मानक नहीं इसलिए फेथ नो मोर के मुख्य गायक माइक पैटन को चीखने चिल्लाने की आवाज़ देने के लिए लगाया गया था संक्रमित उनचास इसके अलावा सीजीआई का उपयोग फिल्म में शेरों और हिरणों के लिए और न्यूयॉर्क के दृश्यों में पैदल चलने वालों को मिटाने के लिए किया गया था खिड़कियों में दिखाई दे रहे कर्मचारी दर्शक और दूर चलती कारों को हटा दिया गया खाली न्यूयॉर्क के अपने दृष्टिकोण में लॉरेंस ने जॉन फोर्ड को अपने प्रभाव के रूप में उद्धृत किया हम ऐसी सर्वनाशकारी फिल्म नहीं बनाना चाहते थे जहां का परिदृश्य सर्वनाशकारी लगे फिल्म का अधिकांश भाग एक खूबसूरत दिन पर होता है अंधेरे और डरावनेपन के विपरीत खाली शहर में कुछ जादुई है जो कलाकारों और कलाकारों के लिए आदर्श था क्रू चाहता था फ्रांसिस लॉरेंस 2007-32 संगीत मैं महान हूँ फिल्म स्कोर द्वारा जेम्स न्यूटन हावर्ड जारी किया 15 जनवरी 2008। लंबाई आठ चौवालीस शून्य शून्य लेबल वारे से सरबंदे निर्माता जेम्स न्यूटन हावर्ड। जेम्स न्यूटन हावर्ड कालक्रम। जल घोड़ा में महान हूँ आई एम लीजेंड का साउंड ट्रैक जनवरी 2008 को रिकॉर्ड लेबल वर्से सरबांडे के तहत जारी किया गया था संगीत जेम्स न्यूटन हॉवर्ड द्वारा रचा गया था फिल्म में बॉब माले के गाने रिडेम्पशन सॉन्ग थरी लिटिल बर्ड्स बफेलो सोल्जर और इट अप भी शामिल हैं फिल्म में माले की भी चर्चा की गई है और नेविल की बेटी का नाम उनके नाम पर रखा गया है पचास इक्यावन रिलीज नाट्य शास्त्रीय आई एम लीजेंड मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 21 नवंबर 2007 को रिलीज होने वाली थी बावन लेकिन इसे 14 दिसंबर तक विलंबित कर दिया गया तिरपन फिल्म 26 दिसंबर 2007 को यूनाइटेड किंगडम में प्रदर्शित हुई चौवन और आयरलैंड मूल रूप से 4 जनवरी 2008 के लिए निर्धारित किया गया था पैंतीस दिसंबर दो में चीन ने देश में सभी अमेरिकी फिल्मों की रिलीज को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया पचपन जिसके कारण आई एम लीजेंड की रिलीज में देरी हुई विल स्मिथ ने रिलीज की तारीख तय करने के बारे में चाइना फिल्म ग्रुप के अध्यक्ष से बात की बाद में उन्होंने बताया हमने इस पर काम करने के लिए बहुत बहुत कठिन संघर्ष किया लेकिन केवल एक निश्चित संख्या में विदेशी फिल्मों को ही अनुमति दी गई है छत्तीस प्रीमियर टोक्यो न्यूयॉर्क और लंदन में आयोजित किए गए लिसेस्टर स्क्वायर में लंदन प्रीमियर में ब्रिटिश हास्य अभिनेता और अभिनेता नेग डुप्री को रेड कारपेट पर धक्का देकर आई एम नेग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया छप्पन ये स्टंट उनके कॉमेडी गेम शो बोलर्स ऑफ स्टील के नेग जबन स्पोर्ट्स खंड का हिस्सा था मार्केटिंग फिल्म का टीजर ट्रेलर हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स की स्क्रीनिंग से जुड़ा हुआ था और डीसी कॉमिक्स और वटिगो कॉमिक्स की एक टाई इन कॉमिक बनाई गई आई एम लीजेंड अवेकनिंग सत्तावन इस परियोजना में बिल सियन किविज पटकथा लेखक मार्क प्रोटोसेविच और लेखक ऑर्सन कार्ड का सहयोग मिला मूल पुस्तक के लेखक रिचर्ड क्रिश्चन मैथिसन के बेटे ने भी इस परियोजना में सहयोग किया ये परियोजना कॉमिक्स से ऑनलाइन प्रारूप में आगे बढ़ी जिसमें एनिमेटेड फीचर ब्रोकन सैंस की टीम द्वारा निर्मित आधिकारिक वेबसाई पर दिखाए गए अट्ठावन अक्टूबर 2007 में वोना ब्रदर्स पिक्चर्स ने इलेक्ट्रिक शीप कंपनी के साथ मिलकर आभासी दुनिया सेकंड लाइफ में ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम एम लीजेंड सवाइवल लॉन्च किया ये गेम फ़िल्म रिलीज के समर्थन में आभासी दुनिया में लॉन्च किया गया सबसे बड़ा गेम था जिससे लोगों को न्यूयॉर्क शहर के साठ एकड़ दो लाख चालीस हज़ार मीटर दो क्षेत्र में संक्रमित या असंक्रमित के रूप में एक दूसरे के खिलाफ खेलने की अनुमति मिली उनसठ स्टूडियो ने एक ऐसी वेबसाइट विकसित करने के लिए विज्ञापन एजेंसी क्रू क्रिएटिव को भी काम पर रखा जो विशेष रूप से आईफोन पर देखी जा सके साठ होम मीडिया फिल्म को डीवीडी पर 18 मार्च 2008 को दो संस्करणों में रिलीज किया गया था एक डिस्क रिलीज जिसमें चार एनिमेटेड कॉमिक्स डेथेज अ गिफ्ट आइसोलेशन सेक्रीफाइसिंग द फ्यू फॉर द मैनी वाली मूवी शामिल थी और शेल्टर और अन्य डीवीडी रोम विशेषताएं और एक दो डिस्क विशेष संस्करण जिसमें ये सभी अतिरिक्त शामिल हैं फिल्म का एक वैकल्पिक नाटकीय संस्करण जिसका अंत उपन्यास के करीब है नौ और एक फ़िल्म की डिजिटल कॉपी इकसठ हाई डेफिनेशन अंत में फ़िल्म को डीवीडी रिलीज के साथ ब्लू रे डिस्क प्रारूप और डीवीडी प्रारूप पर रिलीज किया गया है डीवीडी संस्करण बाद में 8 अप्रैल 2008 को जारी किया गया था बासठ दोनों एचडी रिलीज में दो डिस्क डीवीडी संस्करण में उपलब्ध सभी सुविधाएं शामिल हैं बासठ नौ दिसंबर 2008 को एक तीन अल्टीमेट कलेक्टर संस्करण भी जारी किया गया था तिरसठ फिल्म ने सात दशमलव शून्य चार मिलियन डीवीडी बेची और एक सौ छब्बीस दशमलव दो मिलियन डॉलर का राजस्व अर्जित किया जिससे ये 2008 की छठी सबसे अधिक बिकने वाली डीवीडी बन गई चौंसठ हालांकि वॉनर ब्रदर्स कथित तौर पर डीवीडी बाज़ार में फ़िल्म के प्रदर्शन से थोड़ा निराश थे पैंसठ स्वागत बॉक्स ऑफिस एम लीजेंड ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में सतहत्तर डॉलर और 20 सेंट मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर एल्विन एंड द चिपमंकस से ऊपर पहले स्थान पर रही 66 दिसंबर के शुरुआती सप्ताहांत में इसने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग को पीछे छोड़ दिया सड़सठ पाँच साल बाद 2012 में द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी उस रिकॉर्ड को तोड़ देगी अड़सठ फिल्म ने घरेलू स्तर पर दो डॉलर मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीन डॉलर मिलियन की कमाई की जिससे कुल कमाई पाँच डॉलर और 40 सेंट मिलियन हो गई तीन आलोचनात्मक प्रतिक्रिया रोटेन टोमैटोज़ पर फिल्म को 217 समीक्षाओं के आधार पर छः चौंतीस बटा दस की औसत रेटिंग के साथ अड़सठ प्रतिशत की अनुमोदन रेटिंग मिली है साइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है आई एम लीजेंड संदिग्ध विशेष प्रभावों पर काबू पाता है और विल स्मिथ के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन के बल पर काफ़ी हद तक सफल होता है उनहत्तर मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 37 आलोचकों के आधार पर 100 में से पैंसठ का भारत औसत स्कोर मिला है जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है सत्तर सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फ़िल्म को ए जोड़ से एफ़ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया इकहत्तर एओ स्कॉट ने लिखा कि विल स्मिथ ने सुंदर और सहज प्रदर्शन दिया और थर्ड एक्ट पतन को भी नोट किया उन्होंने महसूस किया कि फ़िल्म मानव सभ्यता के पतन और दृढ़ता के बारे में कुछ गहरे सवालों पर विचार करती है बहत्तर स्लेट के डाना स्टीवंस ने लिखा कि फ़िल्म घंटे के निशान के आसपास अपना रास्ता खो देती है ये देखते हुए कि संक्रमित उतने डरावने नहीं हैं चालीस एनपीआर समीक्षक बॉब मोंडेलो ने वैश्विक आतंकवाद से संबंधित फ़िल्म के उप पाठ पर ध्यान दिया और यह पहलू फ़िल्म को विषय के अन्य अधिक प्रत्यक्ष सिनेमाएँ अन्वेषणों के साथ पूरी तरह से फिट बनाता है तिहत्तर रिचर्ड रोपर ने टेलीविज़न कार्यक्रम एट द मूवीज विद एबर्ट एंड रोपर में फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की उन्होंने विल स्मिथ की प्रमुख रूप में होने की सराहना की साथ ही कहा कि इसमें कुछ अद्भुत दृश्य हैं और बहुत अच्छा था एक एक्शन फिल्म के लिए भारी पटका था चौहत्तर शिकागो सन टाइम्स के लिए अपनी समीक्षा में रोजर एबर्ट ने फिल्म को चार में से तीन स्टार देते हुए लिखा इसके सेटअप को देखते हुए आई एम लीजेंड हमें डॉक्टर नेवल और जीवित रहने के उनके अभियान के साथ शामिल करने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया गया है पचहत्तर मेथिसन के उपन्यास से अलग होने के लिए फिल्म की आलोचना की गई है खासकर एक विशेष ईसाई विषय विशे के चित्रण में छिहत्तर अधिकांश नकारात्मक आलोचना फिल्म के तीसरे भाग को लेकर थी चार छ चार सात 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 कुछ आलोचकों ने डीवीडी रिलीज में वैकल्पिक अंत का समर्थन किया नौ अन्य प्रतिक्रिया पॉपुलर मैकेनिक्स ने 14 दिसंबर 2007 को एक लेख प्रकाशित किया अठहत्तर फिल्म द्वारा उठाए गए कुछ वैज्ञानिक मुद्दों को संबोधित करते हुए शहरी संरचनाओं बुनियादी ढांचे और जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अस्तित्व में गिरावट की दर रेट्रोवायरस के नियंत्रण से बाहर फैलने की संभाव्यता जैसा कि फिल्म में दर्शाया गया है फिल्म में दर्शाया गया खसरा वायरस रेट्रोवायरस नहीं है बल्कि वास्तव में पैरामाइक्सोवायरस परिवार का एक हिस्सा है ब्रुकलिन ब्रिज के विनाश की यांत्रिकी पत्रिका ने द वर्ल्ड विदाउट आज के लेखक एलन वीजमैन वायरोलॉजिस्ट डब्ल्यू इयान लिपकिन एमडी और मिशेल ब्रुनेू पीएचडी से प्रतिक्रिया मांगी और फिल्म के चित्रण के साथ उनकी भविष्यवाणियों की तुलना की लेख में वायरस के उत्परिवर्तन और चिकित्सा परिणामों के बारे में सबसे अधिक सवाल उठाए गए और बताया गया कि ब्रुकलिन ब्रिज जैसा सस्पेंशन ब्रिज केवल अपने मध्य अवधि को खोने के बजाय पूरी तरह से ढह जाएगा नेवल की गैसोलीन संचालित जनरेटर का उपयोग करके बिजली उत्पादन की विधि सबसे विश्वसनीय लगती है कहानी का ये हिस्सा संभव है अगर पूरी तरह से संभव नहीं है लोकप्रिय मैकेनिक संपादक रॉय बेरिन सोहन कहते हैं मार्क्सवादी दार्शनिक स्लावो जिजेक ने उनके विचार में उपन्यास का सबसे प्रतिगामी रूपांतरण होने के कारण फिल्म की राजनीतिक रूप से आलोचना की उन्होंने कहा कि जबकि मूल उपन्यास में एक प्रगतिशील बहुसांस्कृतिक संदेश था जहां नेविल नए प्राणियों के लिए एक केवदंती बन गया और बाद में उनके द्वारा मार डाला गया जैसे पिशाच मनुष्यों के लिए किंवदंतियां थे 2007 की फिल्म डाक्सिकस के लिए एक इलाज ढूंढती है और ये दैवीय हस्तक्षेप के माध्यम से एक उत्तरजीवी द्वारा वितरित किया जाता है जिजेक के लिए ये मूल संदेश को याद करता है और खुले तौर पर धार्मिक कट्टरवाद का विकल्प चुनता है उन्यासी प्रशंसा एम लीजेंड ने विजुअल इफेक्ट्स सोसाइटी पुरस्कारों के लिए चार नामांकन अर्जित किए अस्सी और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में स्टंट कलाकारों की टुकड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी नामांकित किया गया इक्यासी इमेज अवार्ड्स में उत्कृष्ट फिल्म और अभिनेता बयासी और सैटेलाइट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि जून 2008 में विल स्मिथ ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सैटर्न पुरस्कार जीता तिरासी विल स्मिथ ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए एमटीवी मूवी अवार्ड्स भी जीता चौरासी अगली कड़ी निर्देशक फ़्रांसिस लॉरेंस ने 2008 में कहा था कि एक प्रीक्वल होगा और विल स्मिथ अपनी भूमिका को दोहराएंगे फिल्म की कहानी से पता चलेगा कि संक्रमित के न्यूयॉर्क पर कब्ज़ा करने से पहले नेविल के साथ क्या हुआ था स्क्रिप्ट लिखने के लिए डीबीवीस को काम पर रखा गया था जबकि लॉरेंस एक काफ़ी दिलचस्प कहानी पर निर्भर होकर निर्देशक के रूप में वापसी के लिए बातचीत कर रहे थे स्मिथ ने बाद में उस आधार पर चर्चा की जिसमें उनका चरित्र और एक टीम न्यूयॉर्क शहर से वाशिंगटन, डीसी जा रही थी क्योंकि उन्होंने वायरस से संक्र मित लोगों के खिलाफ अपना आखिरी रुख अपनाया था 85 फिल्म फिर से अकेले होने के आधार का पता लगाएगी लॉरेंस ने कहा कठिन बात यह है कि हम इसे दोबारा और अलग तरीके से कैसे करें छियासी मई 2011 में लॉरेंस ने कहा कि प्रीक्वल अब विकास में नहीं है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होने वाला है सतासी 2012 में वॉनर ब्रदर्स ने घोषणा की कि स्मिथ को अपनी भूमिका दोबारा देने के इरादे से एक और किस्त तैयार करने के लिए बातचीत शुरू हो गई है अठासी अप्रैल 2014 में स्टूडियो ने ए गार्डन एट द एंड ऑफ़ द वर्ल्ड नामक एक स्क्रिप्ट हासिल की जिसे द सर्चर्स के पोस्ट एपोकैलिक संस्करण के रूप में वर्णित किया गया है स्टूडियो के अधिकारियों को पटकथा में आई एम लीजेंड के साथ बहुत सारी समानताएं मिली उन्होंने लेखक गैरी ग्राहम से इसे फिर से लिखा ताकि यह कहानी के रीबूट के रूप में काम कर सके नई फ़िल्म के साथ एक फ़्रे चाइज़ी बनाने की उम्मीद है 2014 तक स्मिथ जो सीक्वल में दिखाई देने की अनिच्छा के लिए जाने जाते हैं ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी कि वो दिखाई देंगे या नहीं नवासी चार मार्च 2022 को आधिकारिक तौर पर एक सीक्वल की घोषणा की गई जिसमें विल स्मिथ ने अपनी भूमिका दोहराई और माइकल बी जॉर्डन अभिनय करने के लिए तैयार थे और दोनों निर्माण कर रहे थे अकिवा गोल्ड्समैन भी पटकथा लिखने के लिए लौटेंगे फिल्म मूल के बजाय वैकल्पिक अंत का अनुसरण करेगी नौ शून्य नौ एक एक पाँच नौ दो ग्रंथ सूची आई एम लीजेंड रिचर्ड मैथिसन बुक्स पुनः जारी संस्करण तीस अक्टूबर दो हजार सात आईएसबीएन शून्य सात छह पाँच तीन एक आठ सात चार एक ये भी देखें सवाइवल फिल्म फीचर फिल्मों की सूची के साथ शैली के बारे में जानकारी मेडिकल फिक्शन फिल्म आपदा पर फिल्म लैशबैक से पता चलता है कि कैसे इस बीमारी ने उनकी पत्नी और बेटी की जान ले ली अत्यधिक अलगाव अवसाद और शराब की लत से पीड़ित नेविल ने निर्धारित किया कि पिशाचों की उत्पत्ति व्यवहार और अजीब विशिष्ट घृणा के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण होने चाहिए इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपने स्थानीय पुस्तकालय में शोध किया और पाया कि बीमारी की जड़ शायद एक है बैक्टीरिया का बेसिलस स्ट्रेन जीवित और मृत मरे नहीं मेजबान दोनों को संक्रमित करने में सक्षम है सूक्ष्मदर्शी के साथ उनके प्रयोगों से ये भी पता चला कि बैक्टीरिया लहसुन और सूरज की रोशनी के प्रति घातक रूप से संवेदनशील हैं जब वह एक आवारा बीमार कुत्ते का विश्वास जीतने की कड़ी मेहनत करता है जो केवल एक सप्ताह के बाद मर जाता है तो निराश होकर नेविल अपनी पढ़ाई के लिए और भी अधिक दृढ़ता से प्रतिबद्ध हो जाता है जल्द ही वह अक्षम पिशाचों पर सीधे प्रयोग करता है जिससे एक नया सिद्धांत सामने आता है कि पिशाच हिस्टोरिकल ब्लाइंडनेस के कारण दर्पण और क्रॉस से प्रभावित होते हैं जिसमें संक्रमित अब भ्रमपूर्ण रूप से प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इन वस्तुओं का सामना करने पर उन्हें ऐसा करना चाहिए नेविल को अतिरिक्त रूप से पता चल ता है कि पिशाचों को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में लाने या ऑक्सीजन को उजागर करने वाले घावों को फैलाने से बैक्टीरिया अवायवीय सहजीवी से एरोबिक परजीवियों में बदल जाते हैं हवा के संपर्क में आने पर तेज़ी से अपने मेज़बानों को खा जाते हैं और इस तरह उन्हें तुरंत द्रवीभूत होने का आभास होता है हालांकि उन्हें पता चला कि बैक्टीरिया लचीले बॉडी ग्लू का भी उत्पादन करते हैं जो कुंद या संकीर्ण घावों को तुरंत सील कर देता है जिससे पता चलता है कि पिशाच कैसे बुलेट प्रूफ होते हैं अंत में वो अब यह निष्कर्ष नहीं। कालता है कि वास्तव में दो अलग अलग प्रकार के पिशाच हैं जागरूक लोग जो बिगड़ते संक्रमण के साथ जी रहे हैं और मरे हुए लोग जो मर चुके हैं लेकिन आंशिक रूप से बैक्टीरिया द्वारा पुनर्जीवित हो गए हैं फ्रांसिस लॉरेंस जन्म 26 मार्च 1971, वन एक अमेरिकी फ़िल्म निर्माता और निर्माता हैं खुद को संगीत वीडियो और विज्ञापनों के निर्देशक के रूप में स्थापित करने के बाद लॉरेंस ने सुपरहीरो थरुला कॉन्स्टेंटाइन 2005 के साथ फीचर लेंथ निर्देशन की शुरुआत की और तब से पोस्ट एपोकैलिक हॉरर फिल्म आई एम लीजेंड 2007 रोमांटिक ड्रामा वाटरफॉक का निर्देशन किया है हाथी 2011, द हंगर गेम्स फिल्म श्रृंखला की पांच फिल्मों में से चार और जासूसी थरुला रेड स्पैरो ट्वेंटी प्रारंभिक जीवन लॉरेंस का जन्म ऑस्ट्रिया के वियना में अमेरिकी माता पिता के यहाँ हुआ था उनके पिता एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे जो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्थरिज में पढ़ाते थे और उनकी माँ उनके गृहनगर में स्थित एक जनसंपर्क एजेंसी में प्रौद्योगिकी की उपाध्यक्ष हैं दो तीन वह चार साल की उम्र में लॉस एंजल्स चले गए दो लॉरेंस ने लोयोला मैरिमाउंट यूनिवर्सिटी फिल्म स्कूल में फिल्म निर्माण में स्नातक की डिग्री हासिल करने से पहले एलन मोयल द्वारा निर्देशित फीचर पंप अप द वॉल्यूम में दूसरे सहायक कैमरा के रूप में काम किया करियर उन्होंने उन्नीस में एंटोन वासेल द्वारा निर्देशित फ़ीचर मैचिंग आउट ऑफ टाइम में पहले सहायक निर्देशक के रूप में काम किया इसके बाद लॉरेंस संगीत वीडियो के सह निर्देशन में पूर्व सहपाठी माइकल जेसन रोसेन के साथ शामिल हो गए लॉरेंस ने सैन जोस बैंड ए वेस्टर्न फ्रंट के लिए अपना पहला संगीत वीडियो निर्देशित किया रोसेन और लॉरेंस ने एक अन्य पूर्व सहपाठी जेफरी माइकल कटर के साथ कुल तीन हजार डॉलर में दो वीडियो बनाए और उनकी शूटिंग की लॉरेंस रोसेन और कटर ने एटिको रिकॉर्ड्स के अध्यक्ष और टाइडल फोर्स ड्रमर माइकल ब लेकी के लिए उस बैंड के एकल ए मैन राइड्स थरू के लिए एक वीडियो भी बनाया जल्द ही लॉरेंस अपनी मौलिक और कल्पनाशील संगीत वीडियो स्क्रिप्ट और दृश्य निर्देशन शैली के लिए जाने जाने लगे वो अंततः एक प्रमुख नई प्रोडक्शन कंपनी में शामिल हो गए और संगीत वीडियो निर्देशक के रूप में उनके सफल करियर में रिहाना ग्रीन डे ब्रिटनी स्पीयर्स ब्लैक आइड पीज जेजेड मेलानीसी एवरिल लविग्ने एरो स्मिथ जैनिट जैक्सन जेनिफर लोपेज जैसे सितारों के साथ काम करना शामिल है लेडी गागा फास्टबॉल लिसा मैरी प्रेस्ली डेस्टिनीज चाइल्ड गाबेज ग्वेन स्टेफनी, शकीरा पिंक नेली फर्टाडो एन वोग मोनिका मिस्सी इलियट जस्टिन टिम्बरलेक और बैकस्ट्रीट बॉयज 2002 में उन्होंने शकीरा का सुएठे संगीत वीडियो के निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु संगीत वीडियो का लेटिन ग्रैमी पुरस्कार जीता चार उन्होंने कोका कोला लोरियल केल्विन क्लेन पैप्सी कोला मेबेलिन किड्स फुटलॉकर बकाडी मैकडोनल्ड्स जीएपी बडलाइट कवरगर्ल ओल्ड्स मोबाइल और डिज्नीलैंड जैसे ग्राहकों के लिए कई विज्ञापनों का निर्देशन भी किया है 2005 में उनकी पहली फीचर फिल्म कॉन्स्टेंटाइन थी जो हेल्ब्लेजर कॉमिक बुक पर आधारित थी जिसमें कीनो रीव्स ने अभिनय किया था 2007 में उन्होंने विल स्मिथ के साथ आई एम लीजेंड रिचर्ड मैथिसन के उपन्यास पर आधारित का निर्देशन किया 2011 में उन्होंने वाटर फॉर एलिफेंट्स का निर्देशन किया 2012 में लॉरेंस ने फॉक्स पैरानोमल सीरीज टच के पायलट एपिसोड का निर्देशन और कार्यकारी निर्माण किया पांच वह वर्तमान में डीएनए इंक के साथ अनुबंधित हैं 2011 में उन्होंने लेडी गागा के बैड रोमांस संगीत वीडियो के निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो शॉर्ट फॉर्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता अप्रैल 2012 में लायंस गेट ने घोषणा की कि लॉरेंस को उपन्यास कैचिंग फायर के फ़िल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए चुना गया था छह सात किताब और फ़िल्म जेनिफ़र लॉरेंस कोई संबंध नहीं अभिनीत ब्लॉकबस्टर हिट द हंगर गैम्स की अगली कड़ी थी द हंगर गैम्स के इस फिल्म रूपांतरण का निर्देशन गैरी रॉस द्वारा किया गया था और दोनों उपन्यास सुजन कोलिन्स द्वारा लिखे गए थे 3 मई 2012 को लॉरेंस को फिल्म के निर्देशक के रूप में आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई 8. वह श्रृंखला के दो अंतिम भागों द हंगर गैम्स जे भाग एक 2014 और भाग दो 2015 फिफ्टीन का निर्देशन करने के लिए लौट आए नाइन लॉरेंस वर्तमान में चक पलानियोक के उपन्यास सर्वाइवर के फिल्म रूपांतरण पर काम कर रहे हैं लॉरेंस ने रेड स्पैरो का निर्देशन किया जो जेसन मैथ्यूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसमें द हंगर गैम्स स्टार जेनिफर लॉरेंस और जोएल एडगिटन शामिल हैं ये फिल्म 2 मार्च 2018 को रिलीज हुई थी लॉरेंस ने अप्रैल 2020 में मूल लेखिका सुजन कोलिन्स के हंगर गैम्स प्रीक्वल उपन्यास के रूपांतरण द बैलार्ड ऑफ सोमबर्ड्स एंड स्नैक्स का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए फिल्म 17 नवंबर 2023 को रिलीज हुई थी एक शून्य एक, एक एक दो मार्च 2021 में उनकी अबाउट ब्लैंक प्रोडक्शन कंपनी ने न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स के साथ एक सौदा किया तेरह उनका पहला प्रोजेक्ट नवंबर 2021 में घोषित फिलिप के डिक के उपन्यास वालकन हैमर का रूपांतरण होगा चौदह मार्च दो में ये घोषणा की गई थी कि लॉरेंस केविन जे एंडरसन के एक फीचर रूपांतरण का निर्देशन करेंगे स्टीवन सीएस का स्टैलाग एक्स जॉय विल्किसन द्वारा लिखा जाएगा 15 अप्रैल 2022 में ये घोषणा की गई थी कि लॉरेंस एप्पल टीवी जोड़ के लिए चीफ ऑफ वॉर के कार्यकारी निर्माताओं में से एक होगा 16 अगस्त 2022 में द रैप ने बताया कि लॉरेंस ने टू के गैम्स फ़्रेंचाइज़ी से प्रेरित बायोशॉक के एक रूपांतरण को निर्देशित करने के लिए नेटफ़्लिक्स के साथ हस्ताक्षर किए थे उसी वर्ष सितंबर में डेडलाइन ने बताया कि निर्देशक कॉन्स्टेंटाइन की अगली कड़ी का निर्देशन करने के लिए भी लौटेंगे फिल्मोग्राफी मुख्य लेख फ्रांसिस लॉरेंस वीडियोग्राफी वर्ष शीर्षक वितरक 2005 थाउजेंड फाइव कॉन्स्टेंटीन वॉनर ब्रदर्स पिक्चर्स दो हजार सात में महान हूं दो हजार ग्यारह हाथियों के लिए पानी बीसवीं सेंचुरी फॉक्स दो हज़ार तेरह द हंगर गैम्स कैचिंग फायर लॉयस गेट दो हज़ार चौदह द हंगर गैम्स जे भाग एक 2015 द हंगर गेम्स मॉकिंग जे भाग दो 2018 लाल गौरैया बीसवीं सेंचुरी फॉक्स 2022 हज़ार बाईस लम्बलैंड नेटफ्लिक्स दो हज़ार तेईस द हंगर गेम्स द बैलार्ड ऑफ सोंगबर्ड्स एंड स्नैक्स लॉयंस गेट रिचर्ड बर्टन मैथेसन बीस फरवरी उन्नीस सौ छब्बीस तेईस जून दो हज़ार तेरह एक अमेरिकी लेखक और पटकथा लेखक थे जो मुख्य रूप से फ़ैन्टेसी डरावनी और विज्ञान कथा शैलियों में थे उन्हें उन्नीस के विज्ञान कथा हॉरर उपन्यास आईएम लीजेंड के लेखक के रूप में जाना जाता है जिसे तीन बार स्क्रीन पर रूपांतरित किया गया है मैथेसन स्वयं विंसेंट प्राइस अभिनीत पहली फिल्म संस्करण द लास्ट मैन ऑन अर्थ के सह लेखक थे जो उन्नीस में रिलीज हुई थी अन्य दो रूपांतरण थे द ओमेगा मैन जिसमें चार्टन हेस्टन ने अभिनय किया था और एम लीजेंड विल स्मिथ के साथ मैथेसन ने द ट्वाइलाइट जोन के 16 टेलीविजन एपिसोड भी लिखे जिनमें नाइटमेयर एट बीस हजार फीट लिटिल गर्ल लॉस्ट और स्टील साथ ही रोजर कॉमन और अमेरिकन इंटरनेशनल पिक्चर्स हाउस ऑफ अशर के लिए एडगर एलन पो की कहानियों के कई रूपांतरण शामिल हैं द पिट एंड द पेंडुलम, टेल्स ऑफ टेरर एंड द रेवेन उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित अपनी 1971 की लघु कहानी ड्यूएल को उसी वर्ष इसी नाम की टेलीविजन फिल्म के रूप में रूपांतरित किया आई हेम लीजेंड और ड्यूएल के अलावा उनके नौ और उपन्यासों और लघु कहानियों को मोशन पिक्चर्स के रूप में रूपांतरित किया गया है द श्रिंकिंग मैन द इनक्रेडिबल श्रिंकिंग मैन के रूप में फिल्माया गया हेल हाउस द लीजेंड ऑफ हेल हाउस के रूप में फिल्माया गया वॉट ड्रीम्स में कम बिड टाइम रिटर्न समवेयर इन टाइम के रूप में फिल्माया गया ए स्टिर ऑफ इकोज स्टील रियल स्टील के रूप में फिल्माया गया और बटन बटन द बॉक्स के रूप में फिल्माया गया फिल्म कोल्ड स्वेट उनके उपन्यास राइट द नाइटमेयर पर आधारित थी और लेस सन्स डी ग्लास आईसी ब्रेस्ट्स उनके उपन्यास समवन इज ब्लीडिंग पर आधारित थी स्टील और बटन दोनों पहले द ट्वाइलाइट जोन के एपिसोड थे प्रारंभिक जीवन मैथिसन का जन्म ओलैंडेल न्यू जर्सी में नॉर्वेजियन अप्रवासी बर्टोल्फ़ और फ़ैनी मैथिसन के घर हुआ था जब वो आठ साल के थे तब उनका तलाक हो गया और उनकी मां ने उनका पालन पोषण ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में किया उनके शुरुआती लेखन का प्रभाव फिल्म ड्रैकुला 1931 केनेथ रॉबर्ट्स के उपन्यास और एक कविता थी जो उन्होंने ब्रुकलिन ईगल अखबार में पढ़ी थी दो जहां उन्होंने आठ साल की उम्र में अपनी पहली लघु कहानी प्रकाशित की थी तीन उन्होंने उन्नीस में ब्रुकलिन टेक्निकल हाई स्कूल में प्रवेश लिया उन्नीस में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में सेना में सेवा की इसने उनके 1960 के उपन्यास द बीडलेस वॉरियर्स का आधार बनाया दो चार उन्होंने मिसौरी विश्वविद्यालय के मिसौरी स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म में दाखिला लिया और उन्नीस में बीए की डिग्री हासिल की फिर कैलिफ़ोर्निया चले गए दो तीन करियर उन्नीस और 1960 का दशक उनके पहले लिखित तो उपन्यास हंगर एंड थर्स्ट को 2010 में प्रकाशित होने से पहले कई दशकों तक प्रकाशकों द्वारा नज़रअंदाज़ किया गया था लेकिन उनकी लघु कहानी बॉर्न ऑफ मैन एंड वुमन द मैगजीन ऑफ फैंटेसी एंड साइंस फ़िक्शन के ग्रीष्मकालीन 1950 अंक में प्रकाशित हुई थी नए त्रैमासिक का तीसरा अंक एक और ध्यान आकर्षित किया तीन ये तहखाने में अपने माता पिता द्वारा जंजीरों से बंधे एक राक्षसी बच्चे की कहानी है जो प्राणी की डायरी के रूप में और गैर मुहावरेदार अंग्रेज़ी का उपयोग करके लिखी गई है उस वर्ष बाद में मैथिसन ने गैलेक्सी साइंस फ़िक्शन एक नए मासिक के पहले और तीसरे अंक में कहानियाँ रखीं एक उनके काम का पहला संकलन उन्नीस में प्रकाशित हुआ था तीन उन्नीस और उन्नीस के बीच उन्होंने दर्जनों कहानियों का निर्माण किया जिनमें अक्सर विज्ञान कथा डरावनी और फैंटसी शैलियों के तत्व शामिल थे वह 1950 और 1960 के दशक में दक्षिणी कैलिफोर्निया जादूगर समूह के सदस्य थे जो पश्चिमी तट के लेखकों का एक समूह था जिसमें चार्ल्स ब्यूमोट रे ब्रैडबरी जॉर्ज क्लेटन जॉनसन विलियम एफ नोलन जेरी सोहल और अन्य शामिल थे पांच मैथिसन का पहला उपन्यास समवन इज ब्लीडिंग उन्नीस में लान बुक्स से प्रकाशित हुआ एक 1950 के दशक में उन्होंने मुट्ठी भर पश्चिमी कहानियां प्रकाशित की बाद में बाय द गन में संग्रहित और उन्नीस के दशक में उन्होंने पश्चिमी उपन्यास प्रकाशित किए जैसे जर्नल ऑफ द गन ईयर्स द गन फाइट द मेमोर्ज ऑफ वाइल्ड बिल हिकॉक और शेडो ऑन द सन उनके अन्य प्रारंभिक उपन्यासों में द श्रिंकिंग मैन उन्नीस जिसे उन्नीस में द इनक्रेडिबल श्रिंकिंग मैन के रूप में फिल्माया गया फिर से मैथिसन की अपनी पटकथा से और एक विज्ञान कथा पिशाच उपन्यास आई एम लीजेंड उन्नीस सौ चौवन उन्नीस सौ में द लास्ट मैन ऑन अर्थ के रूप में फिल्माया गया शामिल हैं उन्नीस सौ इकहत्तर में ओमेगा मैन और दो हज़ार सात में आई एम लीजेंड उन्नीस सौ साठ में मैथेसन ने द्वितीय विश्व युद्ध में किशोर अमेरिकी सैनिकों के बारे में एक गैर शानदार आत्मकथात्मक उपन्यास द बियरलेस वॉरियर्स प्रकाशित किया इसे उन्नीस में द यंग वॉरियर्स के नाम से फिल्माया गया था हालांकि मैथेसन के अधिकांश कथानक को खारिज कर दिया गया था मैथेसन ने कई टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए टेलीप्ले लिखे जिनमें वेस्टर्न चेन हैव गन विल ट्रैवल और लॉमैन शामिल हैं छह उन्होंने स्टार ट्रैक एपिसोड द एनिमी विद इन उन्नीस भी लिखा हालांकि वो अमेरिकी टीवी श्रृंखला द ट्वाइलाइट जोन से सबसे अधिक निकटता से जुड़े हुए हैं जिसके लिए उन्होंने एक दर्जन से अधिक एपिसोड लिखे छः जिनमें स्टील उन्नीस सौ तिरसठ नाइटमे एट बीस हजार फीट उन्नीस सौ तिरसठ लिटिल गर्ल शामिल हैं लॉस्ट नाइनटीन सिक्सटी टू और डेथ शिप उन्नीस सौ तिरसठ अपनी सभी ट्वाइलाइट जोन स्क्रिप्ट के लिए मैं हेसन ने निर्माता रॉड सर्लिंग द्वारा बोले गए परिचयात्मक और समापन वक्तव्य लिखे साथ उन्होंने रोजर कॉमन की पो श्रृंखला के लिए एडगर एलन पो के पांच कार्यों को रूपांतरित किया जिनमें हाउस ऑफ आशा उन्नीस द पिट एंड द पेंदुलम उन्नीस और द रेवेन उन्नीस शामिल हैं तीन हैमर फिल्म प्रोडक्शंस के लिए उन्होंने फैनेटिक उन्नीस यूएस शीर्षक डाई डाय माई डालिंग के लिए पटकथा लिखी जिसमें तल्लुला बैंकहेड और स्टैफनी पॉवर्स ने अभिनय किया और यह एनी ब्लैस्डेल के उपन्यास नाइटमेयर पर आधारित थी उन्होंने हेमर डेनिस वीटली की द दे डेविल राइड्स आउट उन्नीस सौ अड़सठ के लिए भी रूपांतरण किया तीन उन्नीस सौ सत्तर और उन्नीस सौ अस्सी का दशक उन्नीस सौ इकहत्तर में मैथेसन की लघु कहानी ड्यूएल को इसी नाम की टीवी फिल्म में रूपांतरित किया गया था उन्नीस में मैथेसन ने द नाइट स्टॉकर उन्नीस के टेलीप्ले के लिए अमेरिका के मिस्ट्री राइटर से एडगर पुरस्कार अर्जित किया जो मैथेसन द्वारा लिखी गई दो टीवी फिल्मों में से एक थी दूसरी द नाइट स्ट्रैंगलर उन्नीस थी जो टीवी श्रृंखला कोलचाक से पहले थी द नाइट स्टॉकर मैथेसन ने कर्टिस के साथ बड़े पैमाने पर काम किया उन्नीस की टेलीविजन एंथोलॉजी फिल्म डेड ऑफ नाइट में मैथिसन द्वारा स्क्रीन के लिए लिखी गई तीन कहानियाँ हैं सेकेंड चांस जैक फिनी की कहानी पर आधारित वैम्पायर जैसी कोई चीज़ नहीं मैथिसन की इसी नाम की कहानी पर आधारित और बॉबी मैथिसन द्वारा इस संकलन के लिए लिखी गई एक मूल स्क्रिप्ट उनकी तीन लघु कहानियों को ट्रिलॉजी ऑफ टेरर उन्नीस के रूप में एक साथ फिल्माया गया था जिसमें प्री शुरुआत में प्लेबॉय पत्रिका के अप्रैल उन्नीस अंक में प्रकाशित एक जूनी योद्धा बुद्ध गुड़िया की कहानी शामिल थी गुड़िया बाद में पहली फिल्म ट्रिलॉजी ऑफ टेरर दो (1996) के विलंबित सीक्वल के अंतिम खंड में फिर से दिखाई दी और डेड ऑफ नाइट के बॉबी को फ़िल्म के दूसरे खंड के लिए अलग अलग अभिनेताओं के साथ फिर से फिल्माया गया 1970 के दशक में फिल्मों में रूपांतरित अन्य मैथेसन उपन्यासों में बिड टाइम रिटर्न 1975, 1980 में समवेयर इन टाइम के रूप में रिलीज और हेल हाउस 1971, 1973 में द लीजेंड ऑफ हेल हाउस के रूप में रिलीज़ शामिल हैं दोनों को मैथेसन ने स्वयं रूपांतरित और स्क्रिप्ट किया था 1980 के दशक में मैथेसन ने अर्थबाउंड उपन्यास प्रकाशित किया टीवी श्रृंखला अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए कई पटकथाएं लिखीं और लघु कथाएं प्रकाशित करना जारी रखा 1990 का दशक मैथेसन ने इस दशक में चार पश्चिमी उपन्यास प्रकाशित किए साथ ही सस्पेंस उपन्यास सेवन स्टेप्स टू मिड नाइट और डार्क कॉमिक लॉक रूम मिस्ट्री उपन्यास नाउ सी इट उन्नीस रॉबर्ट बलोच को समर्पित किया उन्होंने कई फिल्मों के लिए पटकथाएं भी लिखी, जिनमें कॉमेडी लूज कैनन्स उन्नीस और टेलीविजन बायोपिक द ड्रीमर ऑफ ओज द फ्रैंक बॉम्ब स्टोरी उन्नीस साथ ही ट्वाइलाइट जोन का एक खंड रॉड सेलिंग्स लॉस्ट क्लासिक्स उन्नीस और त्रई ऑफ टेरर दो के खंड मैथिसन ने लघु कथाएं लिखना जारी रखा और उनके दो और उपन्यासों को बड़े पर्दे के लिए दूसरों द्वारा रूपांतरित किया गया वॉट ड्रीम्स में कम उन्नीस और ए स्टिर ऑफिकोज उन्नीस सौ निन्यानवे ऑफ के रूप में उन्नीस सौ निन्यानवे में मैथेसन ने मानसिक घटनाओं में उनकी रुचि से प्रेरित होकर एक गैर काल्पनिक कृति द पाथ प्रकाशित की तीन इक्कीसवीं सदी मैथेसन के कई पूर्व प्रकाशित उपन्यास उनके करियर के अंत में प्रकाशित हुए जैसे कि उनके काम के विभिन्न संग्रह और पहले से अप्रकाशित पटकथाएँ उन्होंने नई रचनाएँ भी लिखीं जैसे सस्पेंस उपन्यास हंटेड पास्ट रीज़न 2002, हज़ार आठ और बच्चों की सचित्र फैंटसी अबू एंड द सात नावल्स 2002। हज़ार दो शैली ये खंड किसी भी स्रोत का हवाला नहीं देता है कृपया विश्वसनीय स्रोतों में उद्धरण जोड़कर इस अनुभाग को बेहतर बनाने में सहायता करें बिना सूत्रों की सामग्री को चुनौती देकर हटाया जा सकता है फरवरी 2023, हजार तेईस जाने की इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है मैथिसन की कई कहानियां जिनमें थर्ड फ्रॉम द सन 1950 सौ पचास डेडलाइन उन्नीस और बटन बटन उन्नीस शामिल हैं मोड़ वाले अंत के साथ सरल रेखाचित्र हैं अन्य जैसे ट्रेस पास उन्नीस सौ तिरपन बींग उन्नीस और म्यूट उन्नीस सौ बासठ बीस या तीस पृष्ठों में अपने पात्रों की दुविधाओं का पता लगाते हैं कुछ कहानियाँ जैसे द दे डॉल दैट डू एवरीथिंग उन्नीस सौ चौवन और द फ्यूनरल उन्नीस सौ पचपन शैली की क्लिच की कीमत पर व्यंग्यपूर्ण हास्य को शामिल करती हैं और आडम्बरपूर्ण गद्य में लिखी जाती हैं जो मैथेसन की सामान्य संक्षिप्त शैली से भिन्न होती हैं अन्य जैसे द टेस्ट उन्नीस और स्टील उन्नीस वैज्ञानिकों और सुपहीरो के बजाय आम लोगों के नैतिक और शारीरिक संघर्षों को चित्रित करते हैं ऐसी स्थितियों में जो एक साथ भविष्यवादी और रोजमर्रा की चीज़ें हैं फिर भी अन्य जैसे मैडहाउस उन्नीस सौ द क्यूरियस चाइल्ड उन्नीस और ड्यूएल उन्नीस सौ व्यामोह की कहानियां हैं जिसमें वर्तमान समय का सामान्य वातावरण बेवजह विदेशी या खतरनाक हो जाता है प्रेरणा के स्रोत मैथिसन ने अपने कई कार्यों के लिए विशिष्ट प्रेरणाओं का हवाला दिया द्वंद्व एक ऐसी घटना से लिया गया है जिसमें जॉन एफ कैनेडी की हत्या के दिन ही उन्हें और उनके दोस्त जेरी सोहल को एक बड़े ट्रक ने खतरनाक तरीके से पीछे से कुचल दिया था तीन आज की इस वीडियो में हमने इसे ज़बरदस्त जोमबी मूवी के बारे में बात करी आई एम लीगन टू के बारे में और पिछले पार्ट के ओ टी टी राइड सेटेलाइट राइड सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दी है आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर एक तरह से नए हों तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेलाइकन दबा कर से एल पर सेट कर ली ताकि आप तक नोटिफिकेशन हमारा पहुँच सके बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में